हेलो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में संख्याओं के प्रकार देखे थे। अभी हमारा संख्याओं के प्रकार का दूसरा वीडियो है। हमने इसमें कुछ नंबर ले लिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन नंबरों के द्वारा हम समझेंगे कौन सी सम और कौन सी विषम संख्याएं होती हैं, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या की। इनको हम इवन नंबर्स भी कहते हैं। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें अगर हम 2 का भाग दें तो हमारा शेषफल हमेशा 0 आता है। जैसे 4, 6, 8, 10, 32 और 2412, 2412। ये हमने नंबर ले लिया। अब हम आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 2412। अब हम अगर इस नंबर में 2 का भाग करेंगे तो 2 एकम 2, फिर हमने 4 ले लिया, 2 दूनी 4, फिर 1 आएगा तो भाग टूटेगी बिंदी और 2 12। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें 2 का भाग करने में तो ये नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया और इसका शेषफल 0 आया। तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो गई, तो ये सम संख्या है। अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर भी कहते हैं। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा। जैसे 3, 9, 15, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये 15 है, अगर हम 15 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 शेषफल आ गया। तो ऐसी संख्याएं जिनका जिनमें अगर 2 का भाग देने में शेषफल 1 आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी नंबर से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए 18, 27 हो गया, 18, 27, 625। ऐसे ये संख्या के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए हमने 625 ले लिया। अब हम 625 को 5 से विभाजित करते हैं अगर, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 2 उतारा, 5 दूनी 10, 2 और 5 पचम 25। तो आपने देखा ये संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो गई। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं की। संख्याओं की अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 5, 13, 23, 31। आप देखेंगे कि इन संख्याओं को हम इन्हीं नंबर से और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं कर सकते। जैसे 2 है तो हम इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं। 5 को भी ऐसे ही, 13 को भी हम 13 से या फिर 1 से ही विभाजित कर सकते हैं और किसी से नहीं। ऐसे ही 23 और 31 को भी। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। इन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 11/17, 19/21, -7/18। इन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, नकारात्मक नंबर और रूट वाले नंबर, ये सभी क्या आती हैं? वास्तविक संख्याएं आती हैं। अब दोस्तों, हमने आपको अंकों से शब्दों वाले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, तो आज मैं आपको उसका आंसर दे देती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारा नंबर था, ये हमारा नंबर था, इस अंक को हमें शब्दों में बदलना था। अब हम क्या करेंगे? वैसे मैंने पूरी विधि आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, आप उसमें पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। अब हम यहाँ से लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया? ज्यादा कहाँ तक जा रहा है? 10 लाख तक जा रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 लाख। अब यहाँ पे 1,000, 10,000, सैकड़ा वाली जगहों पे क्या आया है? 0 आया है। तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं, इनको लिखना ही नहीं है इनके बारे में। अब इकाई में कितना आया है? 6। इकाई के लिए हम किसी भी स्पेसिफिक वर्ड का यूज नहीं करते। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10,06,000। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।